वाह, व्हाट ए कोइंसिडेंस। लाइक लिटरली कल की जो क्यू एन ए की वीडियोस थी उसमें मैंने ग्रोइट मोटा के बारे में बताया था, एंड उसी दिन उनका बर्थडे भी था। मतलब कोई बड़ी बात है नहीं, बट मेरे को पता नहीं, अच्छा सा लग रहा है कुछ। तो ये सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3D एंड बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आज काफी सारे बंदों को ब्लॉक किया मैंने, एक तो ट्विटर पे भी किया और कुछ यूट्यूब पे भी किए, जिन्होंने ऑलरेडी बिगी वाले मैच के लिए स्पॉइलर दे दिए थे। सो ये एंजॉय बीइंग ब्लॉक्ड। मैं तो सही में यही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी जिंदगी स्पॉइलर से ही चल रही है देन यू शुड रिकन्सिडर वॉचिंग WWE। आई थिंक उससे अच्छा फिर आप अपने आईने पे अपने पिछवाड़े को घूरते रहो और कुछ नहीं। एनीवेज, राहुल प्रीतम ने लिखा, अदर्स इन स्लैमी अवार्ड्स चीयरिंग फॉर विनर्स, मी स्पैमिंग 3DX चेतन। मैं खुद जाके वहां पे स्पैम कर रहा था बाय द वे, बिकॉज आई वॉन्टेड माई सुपर स्टार टू विन। एंड जैसे ही मैं पहुंचा था तो वहां पे रिंग गियर के लिए अवार्ड चल रहा था एंड उसके नॉमिनेशन चल रही थी, एंड आई वॉज लाइक साशा बैंक्स और सेथ रॉलिंस, एंड अवार्ड किसको मिला? न्यू डे को। सो इन शॉर्ट, कल स्लैमी अवार्ड्स की वीडियो आने वाली है एंड वो बेसिकली पूरी स्लैमी अवार्ड्स पर होने वाली है, तो इसीलिए अभी मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करने वाला, बट बी रेडी बिकॉज पेली के साथ इनजस्टिस हुआ है और मैं उसका बदला लेगा। सोलमा राहुल लिखते हैं, भाई दिल से बताना कौन सा WWE सुपरस्टार को WWE को लेफ्ट करके AEW को ज्वाइन कर लेना चाहिए फॉर देयर बेस्ट फ्यूचर, लव योर वीडियोस ऑलवेज। ऐसे सुपरस्टार्स जो कि ऑलरेडी डीन एम्ब्रोस के लेवल पे थे, बिकॉज देन ओनली यू कैन बी द AEW चैंपियन, अदरवाइज आप टाई डेलिंजर के लेवल पर पहुंच जाओगे। लाइक व्हाट इज दिस ब्रो, जैसे WWE सुपरस्टार्स को ट्रीट करेगी ऐसे ही AEW भी करेगी। वहां पर कोई जादू मंत्र नहीं है कि 5-6 सुपरस्टार्स एक साथ AEW चैंपियन बनेंगे और सभी को पुश मिल रहा है, और वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, उन सबको पता है कि उनके लिए फ्यूचर में क्या बेस्ट है। हमारे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता, हम सिर्फ प्रेशराइज कर सकते हैं उनको, जो कि बेकार है। आकाश जैन लिखते हैं, डिफरेंट मीन्स रैप सॉन्ग इज कमिंग। यस, डिफरेंट की बात कर रहा था एंड इट इज डेफिनेटली नॉट ए रैप सॉन्ग। यार मैंने रिकंसीडर किया, मैंने कहा यार अगर मैंने रैप सॉन्ग निकाल दिया देन आई वुड बी अनदर डूश बैग, बिकॉज वो यूट्यूबर ही क्या जो अपना रैप सॉन्ग ना निकाले, और वो यूट्यूबर का रैप सॉन्ग ही क्या जो बेकार ना निकले। 100% वो बेकार होने वाला था और मैं उस लिस्ट में नहीं आना चाहता, सो लेट्स जस्ट लीव दैट। लेकिन उस डिफरेंट के लिए क्या करना है, उसके लिए इसी कमेंट सेक्शन में आज हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है WWE से रिलेटेड, बेसिकली स्टोरी लाइन बनानी है, और जो 5 बढ़िया स्टोरी लाइन बनेंगी, इंटरेस्टिंग या कैसी भी स्टोरी लाइन हो, उसको अगली Q&A वीडियो में लिया जाएगा। लेकिन वो स्टोरी लाइन सिर्फ आपको नहीं लिखनी, बल्कि आपको एक लाइन लिखनी है और आपके कमेंट के एक ऊपर वाला कमेंट और आपके नीचे वाले कमेंट, ये 3 से जो स्टोरी लाइन बनेगी उस हिसाब से देखा जाएगा कि कौन सी स्टोरी लाइन बेस्ट लग रही है। मतलब बेसिकली आपको कुछ भी लिखना है, फॉर एग्जाम्पल जॉन सीना ने ऐसे करके फिर निक्की बेला को थप्पड़ मार दिया, जस्ट एग्जाम्पल, और उसके ऊपर किसी और ने कुछ और कमेंट कर रखा है और आपके नीचे किसी और ने कमेंट कर रखा है, अगर हम तीनों को मर्ज करेंगे तो ऐसे में जो सबसे बढ़िया लगेगा उसको हम फीचर करेंगे। लेट्स सी कौन सी बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइंस निकल सकती हैं। स्टोरी लाइन तो कही बोले, बट हाँ कुछ मजेदार सा। तो बेसिकली आज हमें क्रिएटिव होने का टाइम आ गया है, जो कि मैं कभी नहीं हो पाता। फखरुद्दीन जैम लिखते, भाई ड्रीम 11 का क्या हुआ, पैसे जीते क्या? हा हा हा, लाफिंग इमोजी बेसिकली इस समय मेरे को एक तीर की तरह लगी है, बिकॉज ड्रीम 11 पे मैंने शुरू किया इस साल जो IPL हुआ था विद 100 rupees, एंड आई वॉज लाइक चलो देखते हैं इस बार कितना होता है, एंड फाइनल होते होते मेरे पास कितने थे पता है? 102, 102 रुपए। लाइक पूरे IPL में 10 जीता, 20 जीता, 50 जीता, 100 जीता, एंड में आते आते सिर्फ 102 रुपए बने, एंड वी ऑल नो फिर हमें क्या करना था, अनइंस्टॉल, फक दैट क्रैप। भूपेश लिखते हैं, भाई तुम्हारे हिसाब से 2021 का रॉयल रंबल कौन जीतेगा? भाई रॉयल रंबल कोई भी जीते, लेकिन जीत क्रिकेट की होनी चाहिए, नहीं मजाक कर रहा हूँ। ओके, रॉयल रंबल 2021, पर्सनली स्पीकिंग कोई भी जीते इस समय मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी हमें 2 ऐसे फैन फेवरेट विनर्स मिल चुके थे, लाइक शिंसुके नाकामुरा, देन ड्रू मैकइंटायर, तो मुझे लगता नहीं कि अभी हमें और कोई शिकायत है। मैं बस ये चाहता हूँ कि 2020 जैसा बढ़िया सा रॉयल रंबल देखने को मिल जाए, दैट इज इट। लेकिन अगर फिर भी कोई एक पिक तो होती है ना, किसी एक के लिए तो अंदर से जज्बा होता है ना कि हाँ यार ये बंदा जीतना चाहिए, तो आई थिंक वो बंदा होगा केविन ओवेंस। आई वॉन्ट टू सी वट द सेलिब्रेशन विल लुक लाइक। ऑल्सो वुमेन सुपर स्टार्स में से मेरी 2 हैं, एक तो रिया रिपली, एंड कंसिडर करूँ शी इज इन NXT राइट नाउ, तो इसीलिए मैं दूसरे सुपर स्टार पर भी जाऊँगा, एंड दैट इज बेली। हाँ आई नो, अब कुछ नहीं, नहीं बेली के बारे में कोई बोलना ही नहीं है, बिकॉज आज हमें सिर्फ स्टोरी लाइन लिखनी है, सिर्फ एक लाइन की, ज़्यादा लंबी मत खींचना, और 3-3 कमेंट मिला के देखते क्या होता है।